पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले झूठा ही सही। गाना काफी अच्छा है और अच्छा तभी तक लगता है जब आपको एंड स्टार्टिंग से ही पता हो कि हाँ झूठा प्यार है, मगर है तो कोई उम्मीद नहीं होती। और अभी आगे और डिटेल में जाने से पहले, हेलो एवरीवन, मैं हूँ पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। तो यह छोटी सी बात मेरे जहन में काफी समय से थी, मगर मैंने कभी इसके बारे में कभी खुल के नहीं बोला, मगर आज मैं कहता हूँ मतलब कि एमसीयू में एमजे ने प्यार कर लिया, प्यार हुआ नहीं था। अब देखो, ये मेरा कोई हार्ड स्टेटमेंट या पीजे सर्टिफिकेशन नहीं है, बस ये ख्याल का सवाल है कि जब हमने फार फ्रॉम होम में एमजे और पीटर का वो ब्रिज वाला कॉन्वर्सेशन देखा था, तो पीटर पूछता है, तुम मुझे इसलिए देखती थी क्योंकि तुम्हें लगता था मैं स्पाइडरमैन हूं। वरना मैं तुम पर नजर क्यों रखती? अच्छा, वो बताती। अबे हार्ड स्टेटमेंट इसे कहते हैं, बेचारे बच्चे का दिल तोड़ दिया। अब इस बात को ऐसे भी समझा जा सकता है कि मान लो कि अपनी नॉर्मल लाइफ की बात करें, तो कोई लड़का पूछे किसी लड़की से कि क्या तुम मेरे पास सिर्फ पैसों के लिए हो, तो लड़की भी उसी पे बोल दे हाँ, वरना मैं तुम्हारे पास आती ही क्यों। तो समझ सकते हो ना कितना भारी लगता है दिल पे। अब बस इसी बात पे दिमाग में एक शक का बीज चला गया, क्या एमजे पीटर से तभी प्यार करना शुरू की जब उसे पता चल गया कि गंगाधरी शक आई मीन पीटर ही स्पाइडरमैन है। अब देखो, किसी भी वेल नोन फेमस पर्सन के लिए किसी अनफेमस को इम्प्रेस करना कोई मुश्किल काम नहीं है, और ये स्टेटमेंट मेरा नहीं है, ऐसा जैक एफ्रॉन ने ही कहा है। तो अब यहाँ से पीटर और एमजे का रिश्ता ऐसे समझ में आ रहा है कि पीटर को एमजे से प्यार हो गया और एमजे ने पीटर से प्यार कर लिया, दोनों में काफी अंतर है। अब देखो, इस बात को डिनाय करने के लिए काफी सारी चीजें हैं, जैसे कि होमकमिंग मूवी में ही एमजे कहती भी है, मैं इसे फॉलो नहीं करती, बस ऑब्जर्व करती हूँ। तो इसमें कोई गलत सी बात नहीं है, काफी सारे बच्चे होते हैं जो ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो उससे पूरा ऑब्सेस्ड हो चुके हैं। अब देखो, जैसे कि फार फ्रॉम होम में जब पार्कर वेकेशन पे होता है, तो वहां ब्रैड डेविस भी पार्कर को काफी ऑब्जर्व कर चुका होता है, और ये बात उसने लास्ट में भी बोली है कि वो हमेशा कहाँ गायब हो जाता है, किसी को अजीब नहीं लग रहा। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ब्रैड पीटर से प्यार करने लगा, सबके जिंदगी में अपने अपने मोटिव्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं पहले से ही दिमाग से खिसके। अब देखो, ये जो इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग वाली कहानी ब्रिज पे हुई थी, हमें इसका आंसर फार फ्रॉम होम के मूवी के लास्ट में ही मिल गया था। मैं इतनी लकी नहीं हूँ कि कोई इतनी जल्दी मेरे करीब आ जाए, इसलिए मैंने झूठ कहा। मैं तुम पर इसलिए नजर नहीं रखती थी कि तुम स्पाइडरमैन हो। अब इस बात से पीटर खुश हो जाता है, और जो कि होना भी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन कुछ ऑडियंस को यह बात थोड़ी सी अटपटी लगी, और झूठ क्यों बोलूं, मुझे भी लगी। अब जानता हूं प्यार का इजहार करने के लिए कोई सही समय नहीं होता है, जब समय आ जाता है तब हो जाता है, मगर यहाँ अजीब लगने वाली बात यह है कि उसने यह बात अभी ही क्यों बोली, क्योंकि एक और दिल में चुभने वाला स्टेटमेंट एमजे मूवी में आगे भी कहती है पीटर से, वैसे भी कोई तुम पर उतना ध्यान नहीं देता। आउच। अबे यार, ये कैसी गर्लफ्रेंड मुंह पे बेची थी। खैर, इसकी यह बात कहने से इसका एक और हम रेफरेंस ले सकते हैं कि जब पीटर बार बार गायब हो जाया करता था, तब भी एमजे सम सॉर्ट ऑफ उसकी जासूसी करती थी कि वो ऐसा क्या छुपा रहा है, क्योंकि एमजे ने ही मूवी में कहा था कि उसे कोई दोस्त नहीं है, जिसका मतलब हो सकता है कि वो अपना खाली समय खाली बिताती हो, और खाली दिमाग शैतान का। अब वैसे भी अलग अलग माइंड्स का अलग अलग सोचना है। अब मैं पूरी तरीके से डिनाय या हेट नहीं कर रहा हूं कि एमजे सिर्फ पीटर से इसीलिए प्यार करना शुरू कर दी कि वो स्पाइडरमैन है, क्योंकि जब अपने ब्रिज में हमने जो कॉन्वर्सेशन देखा था, तो उसके मन में वहां कुछ नर्वसनेस दिख रही थी, वो भी काफी ज्यादा। और मैं ये बात बखूबी जानता हूँ, जब आप दिल से कोई बात कहते हो जिससे आप चाहते हो, तो दिल हलक में आ जाता है। बात दिल में होती है मगर कोई कह नहीं पाता है। मैं गुरु ये फेस से गुजर चुका हूँ, जानता हूँ कैसा लगता है, नर्वस होना लाजमी सी बात है। और ये मूवी में काफी सारी जगह देखने को मिला भी है कि एमजे पीटर को ऐसे देखती है कि मानो उसे प्यार हो गया हो। यहाँ तक कि होमकमिंग में भी जब लास्ट में एमजे पीटर को सस्पिशन में डरा देती है, तब भी उसके अगले सीन में उसकी नजरें कुछ और ही बात कह रही हैं। मगर ये नीचे क्यों देख रही है? एमजे, गलत बात है, ऐसा नहीं देखते किसी को। अब ये बात तो फॉर श्योर है कि एमजे पीटर से प्यार करती है, मगर इसका यह प्यार अपने आप हो गया या पता चलने के बाद इसने किया है? अब भाई, प्यार करने और हो जाने में काफी बड़ा अंतर है, और जो कि आप डिसाइड करेंगे, आप क्या मानना चाहते हैं। अब मेरे अकेले शक करने से क्या होता है, वैसे भी हम जैसा भी सोचे कहानी तो वैसे ही देखने को मिलेगी जैसा वो दिखाना चाहते हैं। अब देखो, दोनों के बीच में प्यार हुआ ना, और क्या चाहिए, और काहे को दूसरे की जिंदगी में आग लगाएं। मगर आप अपने ओपिनियंस बताना मत भूलना, आप क्या सोचते हैं दोनों के प्यार के बारे में, कमेंट्स उसके बारे में मुझे जरूर बताएं। और हाँ, मेरे रिलेशनशिप स्टेटस के पीछे मत पड़ो, मैं अभी भी सिंगल आदमी हूँ, मेरा तरीका बहुत ही चूतिया था जो काम नहीं आया।
खैर अपनी सैड लव स्टोरी की कहानी की बात हम फिर कभी और करेंगे। वैसे अभी के लिए इनके बारे में बताओ तुम क्या सोचते हो, और अगर आपको इस वीडियो में देख के कुछ भी अच्छा लगा, खुशी हुई या मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे नए आ गए हो सब्सक्राइब तो मार ही देना इस चैनल को, और अगर ज्यादा ही अच्छी लग गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन्ड।